हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है और हमने सोचा है कि चलो कहीं घूम के आते हैं, और प्लान बना है स्नो देखने का, क्योंकि कश्मीर में स्नो गिर गई है काफी। तो प्लान किया है कि चलिए सोनमर्ग चलते हैं, सोनमर्ग चल के जो है देखते हैं बर्फ गिरी हुई। और आज थोड़ा प्रेडिक्शन भी है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है स्नोफॉल होगा भी, तो उम्मीद तो है, उम्मीद के साथ चल पड़े हैं, देखते हैं लाइव स्नोफॉल दिखता है कि नहीं। हाँ भाई परम, मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी। तो चलो देखते हैं। मैंने भी कभी, आपने भी कभी नहीं देखा है, तो चलिए देखते हैं कि स्नोफॉल हमें मिलता है या फिर नॉर्मल बर्फ ही देख के वापस आ जाते हैं। तो आप जो भी होगा आपको हम बिल्कुल दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। तो मिलते हैं रोड पर। यहाँ की फेमस श्रीनगर की जामा मस्जिद है, काफी बड़ी है। डाउनटाउन के एरिया से हम लोग निकल रहे हैं अभी। ये यहाँ का है ओल्ड मार्केट, डाउनटाउन साइड का डाउनटाउन। पूरी वो ओल्ड वाली फीलिंग भी आ रही है देख के, है ना, ओल्ड मार्केट टाइप। अभी हम लाल चौक से आए हैं। अच्छा, पीछे रहेगा लाल चौक, कश्मीर का, श्रीनगर का फेमस लाल चौक है, लाल चौक वाला एरिया डाउनटाउन बोलते हैं। अच्छा, लाल चौक तो पीछे रह गया ना। हाँ, लाल चौक पीछे रह गया, ये डाउनटाउन है। राइट साइड में मेरे ना हरी पर्वत है, जो आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे ना हरी पर्वत क्या है। अच्छा, फोर्ट। ओके, हरी पर्वत का फोर्ट है मेरे राइट में, यहाँ से आपको दिखेगा ये बिल्डिंग्स के पीछे से ना, देखना ये यहाँ हरी पर्वत का ये वो है फोर्ट। ओके, महाराजा हरी सिंह का फोर्ट है पुराना। फॉग तो बहुत हो रही है, पहाड़ भी दिख नहीं रहे प्रॉपरली यहाँ से, थोड़ी सी लाइन ही दिख रही है। ये गांधरबल का मार्केट क्रॉस कर लिया हमने, ये अब मणिगम है। मणिगम गांधरबल तो बहुत पीछे रह गया। यहाँ से सोनमर्ग ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस रह गया। देख सकते हैं फॉग के बीच में से बर्फ की पहली झलक, थोड़ी-थोड़ी दिख रही है। फॉगी हो रखा है और प्रेडिक्शन है आज की 2 बजे के आसपास। देखिए अभी रोड साइड पे थोड़ी थोड़ी बर्फ मिलनी शुरू हो गई है, हमें पैचेस बने हुए हैं इस तरफ।
जब तो अभी हम बिल्कुल जो है मतलब सोनमर्ग से कोई 6 किलोमीटर दूर है और अब आप देख सकते हैं जो है बर्फ थोड़ी बची हुई बर्फ ये परसों की ये जो है अभी आपको दिख रही है रोड के दोनों तरफ क्या नजारा है यार भाई साहब मजा आ गया भाई साहब ये है बढ़िया नजारा यहाँ थोड़ी स्नो अच्छी है ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं अभी तो सोनमर्ग तक भी अच्छी स्नो मिलेगी दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग लेट्स सी लाइव स्नोफॉल अगर आज देखने को मिल जाए तो वो देखे आस पास को मजा आ जाए अकॉर्डिंग टू रुद्रा लाल जवाब है ये आप लाल जवाब है लाल जवाब है तो हम जी अभी स्नो के बीच में पहुंच गए हैं तो आप देख सकते हैं पूरा पीछे हमारे स्नो ही स्नो तो अभी सोनमर्ग पहुंचे नहीं है सोनमर्ग से कोई 6 किलोमीटर पहले ही है तो यहाँ बर्फ दिख गई थी तो रुक गए तो हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग ये नीचे पता है पर ये सिंध रिवर है इसको हम इंडस रिवर बोलते हैं ना ये वो रिवर है सिंध रिवर ये पुराना ब्रिज हो गया है वो टूट गया होगा और एंटर करते ही देखिए कितना सुंदर नजारा है सोनमर्ग का ये देखिए जी सोनमर्ग का यहाँ पे सोनमर्ग का ये पार्क है एक और काफ़ी सारा टूरिस्ट आया हुआ है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा सोनमर्ग का मेन मार्केट है टैक्सियाँ गाड़ियाँ सब यहीं आकर रुक जाती हैं और फिर यहाँ से जो है घोड़े वाले जो है वो आपको लेके जाते हैं और ऊपर तक जहाँ पे स्कीज का जो स्कीइंग करने की स्लोप्स है वहाँ लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये है पोनी ट्रैक है गोल्डन ग्लोरी इको पार्क है यहाँ से ये सब है यहाँ पे भी वो हर जगह की तरह वो रहता है कि भाई घोड़े लो और चलो ऊपर ये आप ट्रैकिंग वाला रास्ता घोड़ों का ट्रैक वाला रास्ता ऊपर देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है
पारुल एंड रुद्रा बैठ गए अपने कैंप सेटअप करके। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये हमने अपनी गाड़ी जो है, ये ऊपर रोड थी यहाँ पे, ये आप ऊपर देख सकते हैं ब्रिज है और रोड है, तो यहाँ से हम गाड़ी नीचे ले आए, ये यहाँ बैठ गए दोनों। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं जो बिल्कुल सामने हमारे कैंप के है, स्नो एंड वाटर। वो बारुल क्या कर रही हूँ? राइस भिगो के रखे। चावल धो के भिगो दिए? अरे वाह, तो क्या खिला के रही हो? क्या प्लान, क्या खिलाने का आज? हम खाएंगे छोले चावल, जीरा राइस एंड चावल। जीरा राइस एंड चावल, जीरा राइस एंड छोले, जीरा राइस एंड छोले। छोले हम बना लाए थे घर से। ठीक है, जीरा राइस गरम गरम बनाएंगे, छोले गरम गरम। फैंटास्टिक। लिमका भी होगी? नहीं। चलो तो जी, ये स्नो चेन है जो मैं ले आया था साथ में, कि अगर बाई चांस स्नो हो जाती है या ब्लैक आइस वगैरह होती है तो आराम से गाड़ी पे चढ़ा के आप निकल सकते हैं। हाँ ये वैसे ठीक है। बैठो। ठंडा कितना है? ठंड तो है, आई थिंक 2 या 3 डिग्री, 1 डिग्री हो गया होगा, जीरो ही हो गया। 2 बजे तक जो है इट इज सपोज टू फॉल डाउन टू माइनस एंड प्रेसिपिटेशन हो रही है ऊपर। ऊपर तो स्नोफॉल हो रही है। तो बंदे ने लड़के ने खरीदे हैं। मैं तो इसको घर से तो मैं इसको वहाँ से ला। हेलो मामा, ये स्नो बहुत अच्छा था, और भी काट के ले लाऊं क्या? नो मेरे को एक वो दे दे। क्या? ये वेपर रोल जो है वो खत्म हो गया। अच्छा। बड़ा चालू, बड़ा चालू लड़का तू। क्या चीज, हम ब्लॉग में आ जाओ, क्यों नहीं? अच्छा जा रहे हो तो ठीक है, पहला आना तो आ जाओ। जिप्सी भारत। तो पारुल और रुद्रा जो है वो निकल गए आगे की तरफ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, वो घूमने निकल गए हैं कि हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करके आते हैं। आप देख सकते हैं उनको। तो आप देख सकते हैं कि कैंपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है टेंट लगाएं या यहाँ पे रात रुके। कैंपिंग, ये भी कैंपिंग है, डे कैंपिंग है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया नज़ारा है मेरे पीछे, मैं नदी के किनारे घूम रहा हूँ, बहुत प्यारी सी सिंध नदी है, ये सिंध नदी, इंडस रिवर जिसको कहते हैं, ये वो बह रही है सामने और पीछे हल्की बर्फ है चारों तरफ। और यहाँ पे क्या नज़ारा है, यहाँ पे आराम से अपना एक दिन बिताने का, समय बिताने का जो हमने आज आयोजन किया है यहाँ पे, वो भी एक अलग मज़ा है। तो ये भी एक कैंपिंग है। तो अगर आपके पास ज़्यादा आइटम्स नहीं है कैंपिंग रिलेटेड, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे ले आइए, 2-4 कुर्सियाँ लगा लीजिए, खाना बना लीजिए, खा लीजिए, कैंपिंग हो गई। तो ये भी एक डे कैंपिंग का बहुत अच्छा जो है तरीका है। तो हम तो ऐसे ही कैंपिंग एंजॉय करते हैं, आपने हमारे वीडियोस देखे हैं, हमारे व्लॉग्स देखे, हम आरवी भी कैंपिंग करते हैं, कैरवान भी है हमारे पास, हम उसमें भी कैंपिंग करते हैं और हम ऐसे भी कैंपिंग करते हैं।
जो है डे कैंपिंग के नाम पे मानी जाती है। तो कैंपिंग कैसे भी की जा सकती है, जरूरी नहीं है आपको अपनी गाड़ी के अंदर एक सेटअप बनाना है कि हाँ मेरी गाड़ी के अंदर एक किचन सेटअप है, मेरी गाड़ी के अंदर सोने की जगह है, मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 लीटर का कैंपर हम पानी का लाए, हमारा पानी का प्रबंध हो गया, ठीक है। डे कैंपिंग है इसलिए हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आराम से आप अपना डे कैंपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। अपने घर से जो है 2-2.5 घंटे की दूरी, यानी कि मतलब 80 से 100 किलोमीटर दूर अगर आपके घर के आसपास भी कोई बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है, आप उसे एक्सप्लोर कीजिए और आप अपने व्लॉग्स के माध्यम से वो पूरे अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को भी वो जगह दिखाइए। तो आज जैसे हम आप जानते हैं हम कश्मीर में ही रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं, और श्रीनगर से ही हम आज तकरीबन 88 किलोमीटर जगह है, मानी हुई जगह है कश्मीर की सोनामर्ग, हम सोनामर्ग पहुंचे हैं, यहाँ आज हम एंजॉय करेंगे। चलो वो दिखा रहे हैं तो देख लो, चलो फिर ये मत बोलना दिया नहीं ये नहीं वो ऐसी बात नहीं। आप क्या खाता पियो जो रही चलते हैं ये साड़ी है पर ये तो है ना पश्चिमी में। इमरान तू सामान बनकर बर्फ गिरनी शुरू हो गई, हम जिस चीज के लिए आए थे आज वो हो गया, अभी हम डिसाइड कर लेंगे। तीनों को आप अपना बाकी का सामान चेयर पर रख दो, इनको इनको बाहर दे दो, मेरे को पकड़ा दो, नहीं बस अभी तुम बंद करो, बंद कर दो, तुम्हारा सामान खराब होगा नहीं तो, जल्दी जल्दी बंद करो। ये देख वो देखो पीछे की तरफ बहुत है, ये रुई गिर रही है जो। तो आपने देखा अभी थोड़े स्नोफ्लेक्स आ गए थे एक दो, तो वो ऊपर की तरफ जो है वहाँ से अभी स्नो नीचे आने वाली है, टेम्परेचर -100% हो चुका है, हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं और उनको भी सर्दी लग रही है वहाँ। तो सबसे पहला काम क्या किया, टार्प लगा लिया कि अगर स्नो गिरती है, स्नो फ्लेक्स आते हैं, एटलीस्ट एक हमारे सिर के ऊपर छत रहेगी। तो पारुल अभी खाना बनाना शुरू करेगी, मिलते हैं आपको खाने की प्लेट के साथ। दूधी आपको ठंड लग रही है तो गाड़ी में बैठ जाओ, आप आपको ठंड लग रही है तो गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया एक टाप लगा दिया है, दूधी बैठा हुआ है अपनी कैट कैप पहन के, हवा चल रही है अभी यार, अगर पानी देगी और थोड़ा गलेगा गलेगा, हाँ थोड़ा और लाते हैं, ये चावल भीगे हो ना बड़े हो गए, कोई बात नहीं थोड़ा पानी और डलेगा, थोड़ा भी डलेगा ज़्यादा नहीं लाना, थोड़े लाओ बस बस। तो जी ठंड बहुत बढ़ गई है और मैंने भी कैप पहन ली है, और आपको दिखाना चाहूंगा ये देखिए सोनामर्ग -8 इस टाइम, रियल फील -8 दिखा रहा है सोनामर्ग में -8, तो ये यहाँ का इस टाइम टेम्परेचर है, और हम ऐसे टेम्परेचर में जो है ग्लव्स पहन के खड़ी है, एंजॉय कर रही है पीछे।
इतनी ठंड है कि पहले कुकर गर्म ही नहीं हो पा रहा है। तो -8 है यार, -8 तो ठंड होती है। चोले पता नहीं कब गर्म होंगे, ये देख रहे हैं। तो हमने वो जो छोटा वाला ये वाला जो डेकैथलन का टेबल होता है इसकी हमने विंडशील्ड बना ली है, हवा भी तो ताकि कुकर को हवा ना लगे, और पारुल उसके पीछे अपना खाना बना रही है और हाथ भी सेक रही है। हाथ भी सेक रही चाय तुम बनाना ठीक है? चाय मैं बनाऊंगा। तो अलग अलग डालूं छोले चावल? नहीं नहीं, फिर बड़े में चावल डाल दो, छोटे एक कटोरी में छोले डाल दो। तो वही तो बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ये देखो जी चावल बन गए जीरा वाले, बड़े अच्छे। शेफ परुल शराब। अरे आजकल लोग शेफ ही बने घूम रहे हैं। मैं नहीं बनना शेफ। ए बी सी है आजकल लोग, शेफ ए शेफ बी शेफ सी। तो ये परुल प्लेटों में चावल डालती हुई और छोलों को कर दिया है कम। हमने अभी आजकल ये वाला गैस सिलेंडर यूज करना शुरू कर दिया है। अलग डालू या इसके ऊपर डालू? थोड़े साइड पे डाल मेरे। हाँ, और ये देखिए जो छोले डलते हुए चावलों के साथ धुआं उठता हुआ। कमी आएंगे दोनों में डाल दो फिर, जैसा करना कर दो। वो नहीं काटा यार प्याज तुमने? हाँ हाँ, आप भी कुछ कर लेते। कैंपिंग में प्याज भी थी वो। अरे गुड यार, गरम गरम यार मजा आ गया। ओहो वाह, जम जाएंगे अभी थोड़े। आई थिंक डे कैंपिंग में तो खाने आप प्रिपेयर करके ले आना चाहिए ना, बस मिनिमल बनाना चाहिए। एक चीज प्रिपेयर करके ले आओ, एक चीज बना लो, बहुत बढ़िया बना। खाना कैसा है रूडी? बिल्कुल बढ़िया है यार। क्या हो गया तुरा? लो जम जा रहे हैं। तो ये मजा आ गया। ऐसी सर्दी में -8 degree टेम्परेचर है और ऐसे में पारुल ने छोले और चावल यस बोलो खिला दिए। बोलो रूडी, मजा आ गया। हाँ बोलो, पीछे मेरे बर्फ है, यहाँ हम गरम गरम छोले चावल खा रहे हैं। लेकिन एक बहुत दुख की बात है, इतना अच्छा माहौल हमने आपके लिए बनाया है, -8 degree में हम छोले चावल खा रहे हैं, डे कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन दुख पता किस चीज़ का होता है? आप जो है ना हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन वो जो एक थोड़ा सा खा ले बेटा प्लीज लो सब्सक्राइब वाला बटन है वो नहीं दबा के। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस देखें, हमारे व्लॉग देखें, और वो सब्सक्राइब वाला बटन और वो जो एक साथ में वो घंटी होती है छोटी सी, उसको जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको पता चले नोटिफिकेशन के जरिए। और सब्सक्राइबर होने के नाते जो है हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा कंटेंट जो है आपके सामने लेके आए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो व्यूज भी बढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि यस हमारे जो व्लॉग्स है, हमारा जो कंटेंट है, वो आप लोगों को, हमारे दर्शकों को जो है बहुत पसंद आ रहा है। नो नो, आप लोगों से
विनम्र विनती है, गिर जाएगा पूरा रूडी, प्लीज व्लॉग देखते देखते जो है आप वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है जरूर दबा के देख, हमारे होते ना ये भी लग गया, खराब हो गई क्या? तो आई डोंट नो आप देख पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन स्नोफ्लेक्स जो है आने शुरू हो गए, गिरने शुरू हो गए हैं जी। यही चीज हम यहाँ देखने आए थे आज, लाइव स्नोफॉल। ये देखिए आप मेरे जैकेट के ऊपर से आते जाते एक आध आपको दिखेगा क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, तो यही चीज हम देखने आए थे आगे 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 आगे, यही चीज हमें आज दिख गई। और ये देखो जब जाना ही है तब कैच करेंगे इधर शर्मा की, जिसने कभी स्नोफॉल नहीं देखा था आज स्नोफॉल देख लिया इसने। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत छोटे छोटे रुई के छोटे छोटे दाने गिर रहे हैं। रुडी हां स्नोफॉल हो रहा है भाई, स्नोफॉल कैच करने पर नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कर सकता कैच नहीं कर सकता? ओ रुडी डोंट 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 Don't do this. तो जी स्टोव पे मैंने चढ़ा दी अभी चाय और चाय बनती हुई हमारी आप देख सकते हैं, चाय में उबाला भी आ गया है, थोड़ी सी गैस कम की जाए यहाँ पे और टी बैग्स को थोड़ा सा हिला लिया जाए ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। कैंपिंग में टी बैग इसलिए यूज करता है ताकि छलनी, हाँ ताकि छलनी की जरूरत ना पड़े। बड़ा सही चीज है पारो का कि कैंपिंग के टाइम पे हम टी बैग यूज करते हैं ताकि छलनी का यूज ना करना पड़े और जो पत्ती है वो इधर उधर बिखरती है डस्टबिन में, इससे अच्छा ये जो टी बैग्स है ये आराम से डिस्पोज हो जाते हैं। Cheers. स्नोफ्लेक्स कैसे आ रहे हैं हमारी तरफ है ना, बट ठंडा ऐसे है बहुत ज्यादा, ये -10 हो गया अभी फ्रीजर में बैठे, हाँ हाँ ये -10 हो गया फ्रीजर में बैठे, अब फ्रीजर में बैठ के चाय पी रहे हैं, कैंपिंग इन -10। अरे ये बस ना स्नोफ्लेक्स है, हाँ ये स्नोफ्लेक्स है, पापा की जैकेट छोटी जम रहे थे। यही चीज देखने हम आज आए थे यहाँ सोनामर्ग और हमें ये चीज दिख गई, लाइव स्नोफॉल। ये देखिए मेरी गाड़ी के अंदर भी स्नोफ्लेक्स गिरते हुए, तो हम अब वापस जा रहे हैं, मैं पैकअप कर लिया, वापस जा रहे हैं श्रीनगर, एंजॉय किया जिसलिए आए थे वो चीज हमें मिल गई, सफलता मिल गई। हमने सोचा था लाइव स्नोफॉल देखेंगे, वो देख लिया, पारुल को दिखा दिया, शी हैज सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ। पारुल मजा आया, बहुत मजा आया, तो चलिए उद्रा ने भी काफी एंजॉय किया। हाँ और अगर आप लोगों को भी व्यूअर्स, आप लोगों को भी अगर हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज वहां तक मत रुकिए, जो बात मैंने आपसे पहले की थी वो दोबारा कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल, लाइक करिए हमारे ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात जो है कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं देखना चाहूंगा कि सब लोग कमेंट करेंगे -10 -10, तो लेट्स सी, सबके कमेंट आने चाहिए -10 degrees। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। देखिए अभी रोड पे भी बर्फ जमना शुरू हो चुकी है, यहाँ हम रुके थे। हाँ।
जब आए थे तब एकदम क्लीन थी ब्लैक रोड।